वो जैसे ही ब्राह्मण चला गया, ये आया, वैसा जो नहाता था वैसा शिवजी को नहलाया, कपड़े देखा, कपड़े डालने के लिए कपड़े देखा, कपड़े पहनाया, गंध लगाया, भस्म लगाया। अभी बारी आई भोग की, भोग के लिए उसने फल आदि जो पिताजी करते थे वो सारा भोग शिवजी के सामने रखा और कहा जल्दी खाओ, मेरे को भूख लगी है, आप खाने के बाद मुझे खाना चाहिए। अब शिवजी तो रहे प्रतिमा के रूप में, वो कैसे खाएंगे? वो समझता था कि जो रोज़ शिवजी खाते हैं, शिवजी खाना खाने के बाद ही हम भोजन करते हैं। अब वो बैठा रहा, ये आदमी शिवजी को बोल रहा है पता नहीं क्या, छोटा बालक को भूख लग रही है, आप खाओ, बाद में मेरे को खाने को मिलता, पिताजी रोज़ भोग लगा कर ही खाते हैं, तुम खा लो। अब शिवजी से तो खाने से रहे, उसके लगा कि आज कुछ कमी हो गई है क्या, मेरे पिताजी खिलाते हैं तो खाते हैं और बाद में हम खाना खाते हैं, आज ये खा ही नहीं रहे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, अब दे सर पटकने लगा, तुम खाओ, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे खाने के बाद खाना चाहिए। उसके माथे से खून निकला, खून निकलते ही भगवान शिव प्रत्यक्ष हुए और कहा कि क्या चाहता है बेटा, भूख लगी है यार, तुम खा लो, बाद में मैं खाता हूँ। वो तो शिवजी को उसके पास मंत्र हुए थे, उसमें थी भावना थी शिवजी के प्रति, तुम खा लो बाद में मैं खाता हूँ, ऐसा बोला। शिवजी उसके बालपन पर हंसे और खाना खाए, खाना खाने के बाद उसने वो भोग लाया और बाहर खाते बैठा, उतने में उसके बाप आया, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आप तो रोज़ खिलाते हो, उसको देखा कि उसका माथा फटा हुआ है, उसके खून आ रहा है, ये सब क्या कर रहा है? बोले आप रोज़ खिलाते हो तो खा लेते हैं, आज नहीं खाए, मेरे को भूख बहुत लगी थी, मैं सर पटक लिया, तब आए और खाना खाए। क्या शिवजी खाना खाए? हाँ शिवजी खाना खाने के बाद ही तो मैं खा रहा हूँ। क्या बात करता है, मूर्ख है क्या, शिवजी कैसे खाना खाते? पिताजी जैसे रोज़ आप खिलाते हैं, मैंने भी आज शिवजी को बुलाया, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं सरपटक लिया, आए उनको खाना खाने के बाद तो खा रहा हूँ। उसको लगा ये पागल तो नहीं हो गया है, शिवजी आकर खाना खाना, मैं रोज़ नहीं खिलाता, उसको तो रोज़ कहता हूँ भोग लगाता हूँ, और मैं भोग का अर्थ समझता था कि लगाने के बाद भोग होने के बाद हम खाना चाहिए। उसने कहा कि सचमुच शिवजी खाते हैं और खाने के बाद ही हम खाते हैं, उसको बाप ने कभी बताया नहीं कि भोग लगने के बाद शिवजी के बाद खाते हैं। उन्होंने बेटे को बोला सच सच बता क्या देखा तुमने? क्या देखा? शिवजी आए, कैसे थे? अबस नाग वगैरह डाले थे, चंद्र था, सब था, आए और मैंने कहा, उन्होंने खाए, खाने के बाद मैंने उनको परमिशन पूछी कि मैं खाना खाऊं, बोले खाना खा ले, शिवजी आए, सच ऐसा हुआ था। अब वो तो पिताजी चकरा गए कि ऐसा हो सकता है क्या। उन्होंने एक दो बार देखा, बोले अगर कल तू भोग लगा और शिवजी नहीं आए तो तेरा तो है पांडान, तू देख लेना। अब बेटा बोला आप रोज़ जो खिलाते हो फिर मैं, अरे मैं खिलाता हूँ अलग तरीके से, तू खिला के बता, तू आज बोला ना शिवजी आए। आए शिवजी के पास, आके सब उसने ये मंत्र, बाप मंत्र मंत्र कुछ नहीं बोल रहा था, देखता कि शिवजी कैसे आते हैं। इसने पानी डाला, कपड़े पहनाए, जल्दी जल्दी कपड़े पहन, सब हो गया। अब थाली आई भोग की, ले गया, अरे भैया शिवजी आज खाना खा लेना, नहीं तो मेरा बाप मुझे मारेगा, चलो जल्दी खा लो, मेरे को भूख लगी है। बहुत देर बैठ गया, शिवजी आए नहीं, बाप खड़ा हुआ था, बाप एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, बोले बेटे को खींच के लाया और बोला झूठ बोलता है, शिवजी खाते हैं, कहाँ से शिव खाए, आज खाए क्या, ऐसी झूठे बातें बताते हुए खाता है। नहीं पापा शिवजी खाएँ, आप मेरी बात सुनो, मैंने खिलाया है, आज नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, समझ में नहीं आई। अब वो एक रहा, बाप ने कहा झूठ बात बोलता है और उसको लकड़ी से मारा बहुत, तो वो रो लिया, बोला ये शिवजी भी क्या शिवजी, मेरे कल हाथ से खाए, आज बाप आए तो खा रहे नहीं और मेरे को मार खिला दी, इतना मार खाया हूँ मैं, अब मैं मुझे क्या ऐसा कैसा करना है। वो अपने बाप के मार खाकर जंगल में चला गया, कि बाप बोला झूठ बातें बोलते हो शिवजी के बारे में कि शिवजी भोग खाते हैं, ऐसा करके लोगों को तू ये करता है कल के दिन। और जंगल में चला गया और बहुत देर रोते बैठ गया, रोते बैठा तो देखता क्या है कि रात हो रही है, जंगल में है। अब पिताजी ढूंढने निकले, मारा हूँ सुबह, कहाँ गया वो, उसको ढूंढते निकले, वो नहीं मिल रहा है। उसने रात में क्या कहा कि पिताजी तो कहते हैं कि कंकर कंकर में शंकर है, तो यहाँ कंकर है, इसको ले लेंगे और इसकी पूजा करेंगे। अब जंगल में बैठा, जंगल में क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं, केवल कंकर लिया, कंकर लिया, वहाँ की रेती लिया, ओम नमः शिवाय स्नान डाल रहा हूँ बोला, ओम नमः शिवाय कपड़े डाल रहा हूँ, ओम नमः शिवाय अग्नि पवित्र डाल रहा हूँ, और उसको रेती चढ़ा दिया गया शिवजी के ऊपर। अब बाद में रेती चढ़ाने के बाद देखा, अरे इसको तो भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, ढूंढा बाजू बाजू में कुछ नहीं, सिर्फ पत्ते थे, पत्ते लेके आया तो देखते देखते क्या बिलोपत्र दिखा, हाँ ये बिलोपत्र तो पिताजी ने कहा था ये खाते हैं,
आप देखा कि बिलोपत्र तो ला के रखा, लेकिन है क्या कि वहाँ पानी नहीं है। अब नैवेद्य बताने के लिए भगवान खाने के बाद तो कुछ न कुछ नैवेद्य बताने के लिए चाहिए। ढूंढते रहा, इधर उधर देखा, जंगल है कुछ पता नहीं चला। आखिर कहा, अरे आज सुबह से मैं बैठा हूँ, मैं मूत्र को नहीं गया, आज सुबह से बैठा हूँ, भूल ही गया भगवान के सामने बैठ के मैं मेरे को जाना है। अब कहीं पानी नहीं मिला तो यही सही बोला और वही निकाल कर नैवेद्य बता दिया, नैवेद्य बता दिया। और शिव जी को कहने लगा कि मेरे पास पानी नहीं है, क्या अगर तू पानी देता तो मेरा तो इंसल्ट, मेरा तो अपमान कर दिया, बाप के सामने तो नहीं आता है, और आज तो ये नैवेद्य बता है, आज तो ये भोग खाएगा तो सही है, नहीं तो सर फोड़ के मर जाऊँगा तेरे ही सामने, आज तो ये भोग खाना ही खाना है। बिल्व फल ला के रखा था, जंगल में था। उसने उनके सामने बैठ कर बहुत देर प्रार्थना की, उसको ओम नमः शिवाय के सिवा दूसरा मंत्र नहीं आता था, ओम नमः शिवाय बोलता रहा। रात के 12 बज गए और था शिवरात्रि का दिन, और वो उपवास ऑटोमेटिक उसको हो गया था 12 बजे तक। अब 12 जब बज गए, उसको भूख भी लगने लगी, सताने लगी, नींद आने लगी, सब निष्प्राण हो गया था। उसने कहा, आज तो प्राण तेरे सामने त्याग ही दूंगा, तू अगर आज आकर भोग नहीं खाता है। उसने सर पटकना शुरू कर दिया। फिर शिव जी आए, बोले क्या आप ऐसे कैसे आदमी है यार, बाप के सामने मेरे को गालियाँ दी थी, अब आ रहे अब भोग खाने के लिए आ रहे, अब अच्छा लग रहा है, यहीं ठहरो मैं बाप को बुला के लाता हूँ तुम खा रहे। अरे बोले ऐसा नहीं होता है, तो भोग लगाया ना, मैं भोग लगा तेरे बाप को आने तक मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मुझे खाना खाना है। अब बाप आने तक आप रुकेंगे नहीं, और बाप मेरे को घर को आने देगा नहीं, कि तुम प्रत्यक्ष हो इस बात को मैं कैसे बताऊं। तो उसने कहा, तू एक बार यहां से जोर से पुकार तेरे बाबा को। उन्होंने वहां से अपनी पुकार लगाई कि बाबा आओ, भगवान शिव जी आए हैं, भोग लगाया हूँ, खाना खा रहे हैं। रात के 12 बजे उसकी आवाज़ उनके बाप के पास गई। अरे मेरी बेटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अब उस आवाज़ की तरफ से ढूंढते ढूंढते आए जंगल में जहाँ बैठे थे, और वहाँ साक्षात शिव खड़े थे। और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये क्या किया है भगवान, आज मैं मेरे जीवन के 80 साल हो गए आपकी पूजा करता हूँ, मुझे प्रत्यक्ष नहीं हुआ, और इसको कैसे क्या प्रत्यक्ष हो गए? बोले उसकी भावना है कि तू मैं खाना खाता ही खाता हूँ, भोग लगाने से खाता हूँ, और वो भोग लगाने तक मुझे छोड़ा नहीं, तू क्या समझता है भोग लगा कर चला दिया तू खाना खाता है, तुझे मुझे उस भावना से तुमने किया। उसने स्नान डाला तो जैसा अपन स्नान करता है वैसा मुझे स्नान डाला, तू रोज डालता है तो पानी डाल के जाता है, ऐसा नहीं कि उसकी पूरी भावना जैसे वो करता है, उसको भूख लगती है तो जिस प्रकार वो कष्टित होता है उसी प्रकार उसने समझा और भोग लगाया। मैं उसके इस भावना से प्रसन्न हूँ और मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। तब उसको जब शिव जी का दर्शन हुआ तो उन्होंने ज्ञान दिया और कहा कि हे भोलेनाथ, मैं मेरी पूजा तो उसने स्वीकार की, मेरे पिताजी को भी बता दिया कि तुम भावना से प्रत्यक्ष होते हो, लेकिन एक बात आज आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ शिवजी बनकर यहाँ स्थापित हो जाओ, और यहाँ शिवजी बनकर स्थापित हो जाओगे तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका यह मंदिर जो भी यहाँ भोलेपन से भावना के साथ आएगा और यहाँ नमस्कार करेगा तो उसको आप निश्चित रूप से प्रत्यक्ष हो जाएंगे, प्रत्यक्ष होंगे, ऐसा उन्होंने उनसे कहा। तो आप आज के दिन शिवरात्रि के दिन हम लवण सागर में, यही गुजरात में आप देखते हैं जहाँ समुद्र आता है और शिवजी को डुबा देता है, और बाद में समुद्र चले जाने के बाद ही उनका दर्शन होता है, उसे लवण समुद्र कहा गया, लवण यानी नमक वाला समुद्र, और उस लवण समुद्र की उत्पत्ति भी उसी तरह हुई जैसे हम गोमूत्र कहते हैं वैसे मूत्र से ही हुई, और उससे रोज शिव जी को अभिषेक होता है। उस गाँव का नाम क्या है जो शिव जी आते स्तंभेश्वर महादेव, ऐसा उनका वो वहाँ शिव जी को स्थापना करके समुद्र वहाँ तक आया था, और वो जो लवण समुद्र के से स्नान करते थे, भगवान शिव ने कहते हैं कि उस जंगल में समुद्र को लाया और अपने ऊपर रोज अभिषेक करने के उस भावना के लिए वहाँ रहते हैं, और उन्हें उनकी इच्छा पूर्ण की। तो ऐसे भोलेनाथ तुम्हारे भावना मात्र से सिद्ध होते हैं। आज दत्तात्रेय भगवान के पास भी जब शिव जी के पास वो आए और शिव जी की प्रार्थना करने लगे तो भगवान गोरक्षनाथ और दत्तात्रेय ने दोनों से प्रार्थना की कि आदिगुरु रूप में आप हमें तो प्रत्यक्ष हुए। तो आज गोरखनाथ जी ने कहा था शिवरात्रि है, मत्स्येंद्रनाथ जी आज आने वाले, किस लिए आने वाले हैं? तो कहा कि मत्स्येंद्रनाथ जी वेदों के मंत्रों से तो किसी को उच्चारण नहीं आता, संस्कृत बोलने आता, उसका अर्थ भी नहीं मालूम होता, तो प्राकृत रूप में साबर विधान में मैंने मंत्र लिख के लाया हूँ,
आज शिवजी को शिवजी से चाहता हूँ कि वो मेरे सारे मंत्रों में प्राण प्रतिष्ठा कर दे और ये मंत्र भी उतने ही प्रभावित हो जिसको बोलने के बाद देवता प्रत्यक्ष होते हैं, मैं उस लिए आ रहा हूँ। वे आए, आने के बाद उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, शिव प्रत्यक्ष हुए और उन्होंने कहा कि मैं नाथ संप्रदाय का मैंने लौकिक भाषाओं में मंत्रों को लिखा है, साबर विधान से मंत्रों को लिखा है, आज मैं आपसे चाहता हूँ कि इन मंत्रों में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, जो ये मंत्र बोलूँगा जिस तरह वेद मंत्रों के माध्यम से आप प्रसन्न होते हैं उस इस मंत्रों से भी आप प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। शिवजी मत्स्यनाथ को जानते थे, अगर वो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो वो बहुत पहले अघोरी थे। शिवजी ने कहा मैं तुम्हारे आज इन सारे मंत्रों को मैं सिद्ध करता हूँ, जो भी इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी, जैसे भी देवता आएंगे उन सभी को सिद्ध हो जाएंगे। इन सभी सिद्धों का इन सभी बातों का जब सिद्धि के बारे में बात हुआ चले गए तो भाग में गोरक्षनाथ जी दत्तात्रेय जी ये सारे लोग बैठे बैठे देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें कैसा पता चले कि तुम्हारे ये मंत्र सिद्ध हो गए, कौन बताएगा। तो मत्स्येन्द्रनाथ जी बोले शिवजी ये बात भी तो सही कहते हैं कि ये मंत्र सिद्ध हो गए कैसे बताएंगे, वेद मंत्रों को तो सिद्धि है लेकिन साबर मंत्रों को सिद्धि है कैसे बताएंगे। तो तब शिवजी ने कहा कि इन मंत्रों में इतनी सिद्धि, कितना पापी भी व्यक्तित्व हो, कितना भी पाप किया हो, अगर इन मंत्रों का अध्ययन इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करता है या इन मंत्रों से नैवेद्य कर खीर का नैवेद्य से होम करता है उसको निश्चित रूप से शिव जी की कृपा प्राप्त होगी और उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब उन्होंने कहा कि एक तो ऐसी चीज़ हम देखना चाहते हैं कि आप बता दो कि आज इस मंत्रों से साबर मंत्रों की वजह से जो ये वैदिक मंत्रों को नहीं जानते हैं केवल साबर मंत्रों से आपको सिद्ध करने की एक मिश मनुष्य लोक में आप बता दो कि किसी को सिद्धि होती है। शिव ने कहा ठीक है मैं आज बता देता हूँ। माता पार्वती भी कड़ी थी कि आप वेद मंत्रों को छोड़कर इस साबर मंत्रों से देवताओं को सिद्ध करना चाह रहे हैं, मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करना चाह रहे हैं, ये कैसे होगा। बोले पार्वती मैंने कहा है कि सिद्धि है तो सिद्धि है ही, तो फिर इसको कैसे बताया जाए। तब उन्होंने कहा कि आज देख ले मैं संसार में आपको तो पता है पतिव्रता स्त्रियां हैं, अच्छी लोग हैं, पुरुष है, स्त्री है, सभी लोग हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने बहुत पुण्य कार्य किया। मैं एक वेश्या के घर जाता हूँ, वेश्या तो पापी नहीं होती है आपको, तुझे पता है वेश्या पाप कर्म करती है, लेकिन एक पिंगला नाम की वेश्या है वो मेरी आराधना करती है नित्य, बिना बिल्व पत्र चढ़ाए वो पानी भी नहीं ग्रहण करती और बिल्व पत्र चढ़ाने के बाद वो जो भी उसके घर में अतिथि आता है उस अतिथि की पूर्ण सत्कार करती, कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करती और एक अतिथि आने के बाद दूसरे अतिथियों को नमस्कार करती है, कहती है कि तुम्हारा नंबर कल आएगा, आज इस अतिथि का मैं सत्कार करती हूँ, अतिथि को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाऊंगी और अतिथि जो कहेगा वो मैं प्रदान करूँगी। तो शिव जी ने कहा अब देखो मैं उसके घर जाता हूँ, वो पूर्ण रूप से सभी को सुख देती है जो उसके घर में जाता है। शिव जी मामूली एक व्यक्ति के रूप में गए और पिंगला का दरवाजा खटखटाया, शिव पिंगला ने देखा कि कोई व्यक्तित्व आया है, कोई महान व्यक्तित्व है, उसने कहा कि आज मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे आतिथ्य स्वीकार करना चाहता हूँ और तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। तो उसने कहा कि आज तो शिवरात्रि है, मैं तुम्हें अतिथि तो बनाऊँगी लेकिन वह सारी चीज़ें नहीं दूँगी जो तुम चाहते हो। तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो आज कहे मैं 5 स्वर्ण मुद्रिकाएं नहीं 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगा, 1000 दूंगा, लेकिन तो आज मेरी इच्छा पूर्ण करनी है। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन मैं उपवास रखती हूँ और ये सारे कार्य होते हैं, मुझे उसका उस बात का ज्ञान नहीं है, तो जो कहोगी। और आज तक तेरे घर से कोई अतिथि खाली नहीं गया और कोई बिना विचार के नहीं गया, मैं आज तेरे पास आया हूँ, तुझे मेरी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। वह अपने शिव जी के पास गई और क्या भोलेनाथ ये क्या परीक्षा है मेरे पास, आज शिवरात्रि का दिन है, मैं उपवास करती हूँ और ये तो अतिथि आया है कि वो चाहता है कि उसकी इच्छा मैं पूर्ण करूँ, कैसे होगा। देखती क्या है कि उसके शिवलिंग के ऊपर से फूल नीचे गिरा, तो उसने समझा कि आज शिवजी ने मुझे आज्ञा दे दी, कहती कि अतिथि तू आ जा। अतिथि जी ने कहा कि मैं तुझे 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएँ देना चाहता हूँ, ये ले आज शिवरात्रि के दिन तुझे 2000 स्वर्ण मुद्रिकाएँ देता हूँ, ये ले ले, लेकिन मेरी एक शर्त है आज। बोले क्या, मैं भी शिव भक्त हूँ, मेरे पास आत्मलिंग है, एक ऐसा लिंग जिसकी तेज मुझे दिखने को तो नहीं दिखता लेकिन आत्मलिंग है और उस लिंग की मैं रोज़ पूजा करता हूँ, आज के रात के 12 बजे इसकी पूजा मैं बिल्व पत्र चढ़ा के करता हूँ, गलती से भी अगर इस शिवलिंग को कुछ हुआ तो समझ ले
मैं मेरा प्राण त्याग कर देता हूँ, मैं एक मिनट के लिए भी नहीं रहता, मैं अपने आप को खा के इस आत्मलिंग की बहुत रक्षा करना। उसने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मेरे पास ऐसा भगवान का एक अच्छा सा कक्ष है जिसमें कोई भी आकर नहीं कर सकता, मैं उस तुम्हारे लिंग को वहीं रखती हूँ। वो ले गई और उन्होंने उस लिंग को वहाँ रखा। मैं भी शिव भक्त हूँ, उसने कहा, और उनके उपचार शुरू कर दिए। एक एक करके वो जैसा चाहता था उसको नहलाया, अच्छे कपड़े दी, पलंग लेके आई, सब बिठाई, खाना खिलाया। अब आया रात का 12 बजे का समय, उसने कहा आज रात के 12 बजे पूजा होने के बाद मैं इन सभी को खाता हूँ। जैसे ही रात 12 बजने वाली थी, भोलेनाथ ने एक सृष्टि कर दी और उन्हें कहा कि उनके पूरे मंदिर को आग लगा दी और उसमें शिवलिंग जल गया। बोले, मैं तुझे पहले ही बता रहा था, अगर मेरा शिवलिंग जल गया तो मैं प्राण त्याग करूँगा, और तूने मुझे वचन दिया है कि ऐसा नहीं होगा। तो वो कहती है कि अब मैं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं हो, तो जल गया। और शिव जी ने उस आग में कूदने के लिए तत्पर हो गया, गए। तो पिंगला कहती है, एक बात मेरी मान लो, क्या मैं जिसको भी अतिथि रूप में स्वीकार करती हूँ उसको पति रूप में स्वीकार करती हूँ, और आज आप मेरे पति हुए। मैं चाहती हूँ कि मैं सती सहगमन करूँ, पति से भी पहले पत्नी मर जानी चाहिए। मैं पहले आग में कूदती हूँ, बाद में आप कूदो तो मेरे को कम से कम उसका तो पुण्य मिलेगा। त्याग तो तुम्हें भी करना है, त्याग तो मुझे भी करना है। और वह उस अग्नि में कूद गई। शिव जी देखा ये सारी चीज़ें, पार्वती, गोरखनाथ आदि सब लोग देख रहे थे, ये ऐसी कौन सी पूजा कर, उसने देखा और शिवजी ने देखा। देखती है कि वो अपना देह त्याग कर देखते हैं, तो शिवलोक से उसके लिए विमान आया और वहाँ बैठे हुए, और शिवजी प्रत्यक्ष होकर कहने लगे कि पिंगला, ये तेरी परीक्षा थी। साबर मंत्रों में तू तो जय तो वेद नहीं आता, तू तो साबर मंत्रों से ओ नोशाय करते हो, साबर मंत्र का अध्ययन करती हो, और उस मंत्रों से तूने जो आज आराधना की है, शिव इससे भी प्रत्यक्ष होते हैं, सारे देवता ऊपर देख रहे हैं, यहाँ के पार्वती आदि सब लोग देख रहे थे, और उस मंत्रों को सिद्धि बताते हुए उन्होंने आज शिवरात्रि के दिन सिद्धि प्रदान की थी। वही मंत्र जो दत्तात्रेय भगवान गोरखनाथ और भगवान शिव जी के रूप में संवाद होते हुए जिस मंत्र को किया था, उस मंत्र को अगर हम भी करते हैं आज शिवरात्रि के दिन, तो हमने कितने भी पाप किए हो, कितने भी लोगों को हमने कुछ कहा हो, हमारे से पाप हुआ हो, हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए उस शिवजी के उस मंत्र साबर विधान के मंत्र को अगर हम उच्चारित करते हुए भगवान दत्तात्रेय के साथ करते हैं, तो सारे पापों से मुक्त होकर उन्हें जैसे भगवान दत्तात्रेय और शिवजी प्रसन्न हुए, वैसे हमें होते हैं। ये शिवलीलामृत की कथा है, शिवलीलामृत में इस कथा को बताया है। कभी समय आने पर मैं इसका भी आपको जिक्र करूँगा, लेकिन समय अभाव के कारण अभी पहले आप सभी लोग उठ के भीगे हुए चावल शिवजी के सर पर चढ़ाने, भीगे हुए चावल ही क्यों चढ़ाने चाहिए, इसलिए कि हम तो सूखे चावल शिवजी के सर पर चढ़ा दें तो शिवजी के सर पर गंगा है, और गंगा रहने से उनको ठंडी चाहिए, ठंडी चाहिए तो हम तो उनके गंगा को हाथ लगाने से रहे। वो जैसे अक्सर दूसरे कोई लोग पार्वती माता रहते तो भीग जाते थे और शिवजी बहुत प्रसन्न हो जाते थे, तो हम गंगा के सिर पर चढ़ाने के बाद हमारे अक्षत तो भीगे वाले होने वाले नहीं, इसलिए हम भीगे हुए अक्षत ही चढ़ाते हैं कि तुम्हारे सर पे गंगा है। तो भीगे हुए अक्षतों को शिवजी के ऊपर चढ़ाकर एक बिलो पत्र चढ़ा दो, उसके बाद आज उसी मंत्र से, जिस मंत्र से हमें दत्तात्रेय भगवान ने साबर विधान के साथ मंत्र कहा था, उसकी आहुति दिलाऊँगा। उसके साथ साथ आज भगवान दत्तात्रेय जिस मार्ग से प्रसन्न होकर मच्छिंद्रनाथ जी को के मंत्रों को सिद्ध किए थे और गोरखनाथ जी के मंत्रों को सिद्ध किए थे, वही मंत्र और उसी की साधना पांच माला करके आप बिलोपत्र चढ़ाकर आओ, सभी आहुति डालेंगे। आज आहुति डालने के बाद पहला सेशन खत्म होगा और उसके बाद हम रात के 6 बजे से 12 बजे तक लिंगोद्भव शस्त्र लिंगार्चन करेंगे, इससे पहले कि हम उस मंत्र को, जहां हम दत्त गिरनार क्षेत्र में आए हैं, उस क्षेत्र में उस मंत्र का जो आज तक मंत्र उजागर नहीं हुआ, किसी ने कहा नहीं कि ये मंत्र है या नहीं, आपको भी पता नहीं, उस मंत्र को दत्तात्रेय संवाद में जिस पापी को भी पुण्यवान बनाने वाला, हर हत्याओं से भी अपने को मुक्ति दिलाने वाला और हर पापों से मुक्ति दिलाने वाला वह साबर मंत्र, जिसको आज केवल पांच माला जप करते हुए शिवजी के ऊपर भीगे हुए अक्षत और बिलोपत्र चढ़ाते हैं, और हमारे शरीर में ऐसे कितने भी रोग हमारे में पनपने हो, आज के दिन कहते हैं कि वो भीगे हुए अक्षत और बिलोपत्र चढ़ाकर उस बिलोपत्र को हम आज रख लेकर कल शिवरात्रि के दूसरे दिन उस बिलोपत्र का भक्षण करते हैं, तो हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं उन रोगों का क्षमापन होता है। बिलोपत्र को पहले हम उन पांच मालाओं को बोलते हुए बिलोपत्र को सिद्ध कर लें, अक्षत और उस बिलोपत्र को चढ़ाएं, बाद में उस बिलोपत्र का भक्षण कल सुबह हम जब खाना खाते हैं उससे पहले बिलोपत्र को खा लें, हमारे शरीर के सारे रोगों का निर्मूलन होता है, ऐसा कहा गया है। पहले
आप सभी लोग जाकर उस मंत्र का कागज ला लो और उस मंत्र को पांच माला करो और बिलोपत्र चढ़ाकर अक्षर चढ़ाओ, तब तक हम रुद्र हवन की तैयारी करेंगे। इससे पहले मैं निमेश जी को और गोपी को उनको चाहता हूँ कि प्रसाद के रूप में सभी को एक एक केला बांट दें। पहले बैठ जाओ, केला ले लो, बाद में आप उठ के पेपर ला लो।